राजधानी भोपाल में आई दिन अग्निवीर की परीक्षा या किसी अन्य प्रकार की सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर एक ठगी का मामला सामने आया। जी हां, हम बात कर रहे हैं थाना शोखा गार्डन की, जहां एक फरियादी शहादत खान के व्यक्ति की दोस्ती अलीम खान से हुई, जहां उसने बताया कि मैं पुलिस सेवा में कार्यरत हूं और मेरी पहचान है, मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा। फरियादी से आरोपी अलीम खान द्वारा पुलिस में भर्ती कराने के नाम पर झांसा देकर धोखाधड़ी की। वहीं हेमंत श्रीवास्तव का कहना है कि आरोपी गिरफ्त से बाहर है, जल्द ही पकड़ा जाएगा। सर, थाना शवर्णन थाना क्षेत्र में सर एक नौकरी लगाने के नाम पर सर झांसा का मामला सामने है, सर क्या है पूरा मामला और कौन था आरोपी? आज प्रार्थी साहब ने एक लिखित आवेदन पत्र दिया था, जिसमें उसने अलीम नाम के व्यक्ति के साथ में मित्रता होना और अलीम द्वारा ये बताया जाना कि वह पुलिस की सेवा में कार्यरत है और उसकी अन्य लोगों से पहचान है और वो नौकरी लगाने के नाम पर उसने कुछ उसकी मदद करने की बात कही थी और कुछ रुपए पैसे का लेन देन का विषय प्रकाश में आया था। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपी की तलाश है। सर, इसने एक व्यक्ति से लिया सर या और अन्य किसी व्यक्ति से कभी? तो एक ही आवेदन पत्र है और अन्य किसी आवेदक के संबंध में जानकारी लगती है तो उससे लिखा। बैकग्राउंड क्या था सर इसका? ये अभी आरोपी तो गिरफ्त में नहीं है और जैसे ही उसे गिरफ्तार करते तो जो उससे जानकारी मिलेगी उसके आधार पर। सर, व्यक्ति अकेला सर या इसके साथ में कोई और सर? अभी तो इन्वेस्टिगेशन में इसका।